भिलाई उतई में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 81 बैच आरक्षक जीडी के बुनियादी कोर्स का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 1237 बल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस शपथ समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शपथ समारोह किसी भी बल सदस्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन विशेष से वह पूर्ण रूप से देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। इस दिन का साक्षी बनने बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उतई पहुंचे और उन्होंने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिरीक्षक मध्य खंड संजय प्रकाश ने अपने स्वागत भाषण व कोर्स रिपोर्ट में अवगत कराया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। प्रशिक्षु को 43 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें इन्हें औद्योगिक एवं आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त विभिन्न विषयों जैसे मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, मानव अधिकार, फील्ड क्राफ्ट तथा विभिन्न आधुनिक हथियारों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के समक्ष देशभक्ति गीतों में झांकी भी प्रदर्शित की गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ, इसके अंदर सीआईएसएफ अधिकारियों के द्वारा जो सुपरविजरी अधिकारी है इनके द्वारा बहुत ही अच्छा परेड का प्रदर्शन किया गया और जो इनकी जो इन्होंने डिस्प्ले किया अपनी पावर और प्रोग्रेस का वो भी बहुत अच्छा एक उदाहरण था सीआईएसएफ के जो नए रिक्रूट्स इनके लिए। परेड बहुत ही अच्छी हुई। सीआईएसएफ एक बहुत ही प्रीमियर एक पैरामिलिट्री फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की और ये सीआईएसएफ की जो इस आरटीसी भिलाई के अंदर जो परेड का जो डिस्प्ले था बहुत ही उम्दा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।